नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट वाली बात और मैं हूं तुषार उप्रेती। आइए नजर डाल लेते हैं आईपीएल 2021 की कुछ खबरों पर। आईपीएल 2021 शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय बचा है और वहां भी कोरोना वायरस ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। एक के बाद एक कई टीम के खिलाड़ियों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। देश में एक और कोरोना वायरस के 1 लाख से भी ज्यादा मामले आए हैं। ऐसे में साल का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इवेंट आईपीएल 2021 भी इससे अछूता नहीं रहा है। एक के बाद एक कई खिलाड़ियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। बीते रविवार को आरसीबी फ्रेंचाइज ने यह घोषणा कर दी थी कि उनके ओपनिंग बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल 22 मार्च से कोरोना पॉजिटिव हैं और तब से बेंगलुरु में अपने घर पर क्वारंटीन है। आगे की जानकारी के अनुसार देवदत्त को तभी आरसीबी के खेमे के साथ जोड़ा जाएगा जब उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। गौरतलब है कि आरसीबी को अपने आईपीएल अभियान का आगाज 9 अप्रैल को डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ करना है। लेकिन आईपीएल 2021 में यह कोरोना का कोई पहला मामला नहीं है। 28 मार्च को मुंबई पहुंचे दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के ग्राउंड स्टाफ और सीएसके की कंटेंट टीम के एक मेंबर को भी पॉजिटिव पाया गया है। इसी के चलते ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुंबई या महाराष्ट्र में, जहां कोरोना का सबसे ज्यादा हाहाकार है, जहां लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है, वहां आईपीएल 2021 के मैचों का आयोजन कितना सही है। ऐसे में यह संभव है कि बीसीसीआई हैदराबाद जैसे किसी दूसरे राज्य में ज्यादा मैचों का आयोजन करे। अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आईपीएल में कई बार ऐसा कुछ होता है कि दिल कहता है कि भाई वाह, ऐसा ही कुछ मोइन अली के साथ भी हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भले ही 2020 का आईपीएल बेहद खराब रहा हो, लेकिन आईपीएल 2021 के लिए मैदान में उतरने से पहले ही उन्होंने देशवासियों का दिल जीत लिया है। मामला दरअसल टीम के ऑलराउंडर मोइन अली से जुड़ा है। मोइन अली ने टीम मैनेजमेंट से ये गुजारिश की थी कि वह अपनी जर्सी पर किसी शराब की कंपनी का विज्ञापन नहीं लगाएंगे। ऐसे में सीएसके की जर्सी पर भले ही उनके स्पॉन्सर एसएनजे 10,000 पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड ब्रिटिश एम्पायर ग्लासेस का लोगो क्यों ना हो, लेकिन मोइन अली की जर्सी पर ये देखने को नहीं मिलेगा। सीएसके की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि उनका मैनेजमेंट हर खिलाड़ी की भावनाओं का सम्मान करता है। ऐसा करके धोनी की इस टीम ने एक भी मैच खेलने से पहले ही लोगों का दिल जीत ही लिया है। अगर आईपीएल एक बुलेट ट्रेन है तो टेस्ट क्रिकेट में भारत के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा धीमी लोकल की तरह है। मुझे निजी तौर पे ये खिलाड़ी बेहद पसंद है, लेकिन क्या वो आईपीएल 2021 के लिए पूरी तरह तैयार है? टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजों को थका देने वाले चेतेश्वर पुजारा ने एक बयान में कहा है कि अब वो आईपीएल 2021 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पुजारा इस साल चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से अपने आईपीएल करियर को एक बार फिर से शुरू करने वाले हैं। सीएसके ने उन्हें 50 लाख के बेस प्राइस पर ऑक्शन में खरीदा था। पुजारा का यह मानना है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ भी कोई पावर हिटर्स नहीं हैं, लेकिन ये सभी बॉल को सही तरह से टाइम करके सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं। इसी तरह से इस बार पुजारा की कोशिश भी रहेगी कि वह आईपीएल में रनों के सूखे को कम करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के सही काम आए। पुजारा ने आईपीएल में तकरीबन 30 मैच खेले हैं और इनमें 21 के औसत से महज 390 रन बनाए हैं। पुजारा इससे पहले किंग्स 11 पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए आईपीएल खेल चुके हैं। ऐसे में 2014 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मैच खेला था। ऐसे में खुद को आईपीएल के हिसाब से ढालना पुजारा के लिए आसान नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय देना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट्स पसंद आई होगी। आईपीएल पे नई नई रोचक जानकारियां लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।